फूल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। As we all are facing from a great trouble today, that is because of a one disease called coronavirus, COVID-19. आप देख पा रहे हैं कि इसका कहर सिर्फ इंडिया तक में ही नहीं, पूरे विश्व में इस तरह से फैल गया है कि सब लोग मेंटल डिजीज, मेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब ये जो कारण है मेंटल डिजीज का, किसी किसी जगह पर कारण है कि इस डिजीज के फैलने के कारण उनके परिवारजनों का मेंटली प्रिपेयर्ड ना होना या उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इन कारणों से भी उधर एक तरीके का मेंटल डिजीज हो रहा है या मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है। द वेरी वर्स्ट थिंग इज कि उस स्प्रेड होने के चक्कर में। दूसरा बात यह है कि आर्थिक स्थिति, दैट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज द गवर्नमेंट यू डोंट अलाउ यू टू मूव आउट फ्रॉम योर हाउस, तो सेकेंड काम आपके लिए डिस्टर्बेंस का ये कारण खड़ा हो रहा है कि आपके आर्थिक स्थिति है। सो द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज योर स्कूल। प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण है आपका स्कूल, क्योंकि आपके स्कूल ने आपको कभी भी नहीं सिखाया कि हाउ टू मैनेज योर मनीज, हाउ टू कीप योर मनीज, हाउ टू सेव योर मनीज। एंड दिस इज द रीजन कि आप हर वीक कम से कम 1/4 ऑफ योर अर्न्ड मनी इन मॉल्स, इन शॉपिंग, इन ऑल बाइंग अदर स्टफ्स में आप क्या कर देते थे, खर्च कर देते थे। तो आज के डेट पे जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट है इन योर बैंक एंड यू हैव टू थिंक दैट आफ्टर द लॉकडाउन यू हैव टू पे द ईएमआईज, द फीस, इवन आपको गैस के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपके हर छोटे छोटे काम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, एंड यू हैव नो सोर्स ऑफ इनकम। लोग इस बात को समझने के लिए रेडी नहीं है कि गलती आपकी है, आपने पैसा ठीक से नहीं बचाया, सरकार ने कोई गलती नहीं की इसमें। यस, दे हैव पुट द लॉकडाउन विद इन इट। क्यों? अगर वो उस टाइम पर नहीं करते तो ये और भी ज्यादा फैल सकता था। मैं मानता हूं उन लोगों को जो बाहर है आज के डेट पर, जो अब तक अभी घर तक नहीं पहुंच पाए, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। पर वो लोग जो अपने स्टेटस में लूडो का पोस्ट किए जा रहे हैं, खाने का पोस्ट किए जा रहे हैं, डू यू रियली हैविंग एनी मेंटल ट्रबल, क्या आपको इस बीमारी से 1% भी फर्क पड़ रहा है इन योर लाइफ? आप बाहर जाकर के देखिए कितना आपको शोर दिखाई देगा कि लोगों को कमाने के लिए सोर्स नहीं है। और वो आदमी जो कोई और बिजनेस कर रहा था, दे ऑल हैव स्टार्टेड वेजिटेबल शॉप्स। क्यों? क्योंकि लोग आज के डेट पर सिर्फ सब्जी ही खरीद रहे हैं, कुछ और नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को आज मेंटल डिजीज या मेंटल डिस्टर्बेंस की तरफ लीड फॉरवर्ड कर रहा है। लोगों का ब्लेमिंग नेचर आप देख पा रहे हैं कि आज के डेट पे वो डॉक्टर जो है वही है जो आपको बचा पा रहे हैं। देर आर नो अदर तांत्रिक्स, बाबाज एंड ऑल दैट। बट स्टिल आफ्टर दिस पीरियड लोग कहेंगे कि ये नक्षत्र खराब था, ये टाइम पीरियड खराब था, जिस कारण से ये हो गया। ऑल दोज पीर बाबाज एंड ऑल विल कम अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल मैनिपुलेट इन विद योर माइंड एंड दे विल से दैट वी आर द वंस, वी आर द हीरोज एंड वी आर एवरीथिंग। टुडे द डॉक्टर्स जो सेव कर रहे हैं वो लाइफ इतने लोगों की, आप कुछ दिन बाद उन डॉक्टर्स को भी भूल जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग दोज मैनिपुलेटिंग बाबाज, पीर बाबाज, द नक्षत्र टेलिंग पीपल्स। सुबह सुबह आप कालचक्र खोल के बैठ जाएंगे और देखेंगे कि आपका आज का दिन कैसा है। यू विल रियली फॉरगेट अबाउट योर साइंस, अबाउट योर टेक्नोलॉजी एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग योर एस्ट्रोलॉजी एंड द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स। गलती किसका है? आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इंस्टेड यू आर प्लेइंग विद द रियलिटी, क्योंकि सच आपको बर्दाश्त नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि लोगों का ब्लेमिंग नेचर जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कारण है। आज जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि अगर हम कॉलेज जाते, अगर हम स्कूल जाते तो हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते। वही लोग जब इतना दिन तक कॉलेज या स्कूल जा रहे थे, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट देयर टीचर्स, प्रोफेसर, एचओडी, फैकल्टी, that they are not good, they are not proper, we can't get proper education in school, even if we are at home then we can be the much better charms, the stars and all. But now when you are at home, what you are doing?
यू आर वॉचिंग टेलीविजन, यू आर स्लीपिंग ऑल डे। कारण क्या है इन सब चीज का? इतना दिन तक जब आप स्कूल में थे तब आप ब्लेम कर रहे थे कि द टीचर्स द फैकल्टीज दे ऑल आर बैड, दे ऑल आर पोर। अगर मैं यूट्यूब में बैठ जाता 2 घंटे 3 घंटे देन आई वुड बी द मच बेटर चार्म ऑफ दिस सोसाइटी। मैं कल को एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता था अगर मैं यूट्यूब से 10 मिनट तक वीडियो देख लिया होता तो। नाउ यू हैव द एंटायर 45 डेज। व्हाट यू हैव डिड, यू हैव जस्ट वॉच द नेटफ्लिक्स द ड्रामा शोज एंड ऑल। आपने अपना टाइम खुद वेस्ट किया है, फिर आप ब्लेम करेंगे कि आपके पास टाइम नहीं है। गलती आप किए जा रहे हैं एंड यू आर स्टिल ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर एवरी एक्ट। ये मेंटल डिस्टर्बेंस होने के पीछे का कारण क्या है? कुछ ना करना, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप कुछ कर नहीं रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर स्टिल ब्लेमिंग। सुबह उड़ जाते एंड यू आर ओपनिंग द न्यूज एंड जस्ट वॉच ऑल दोस डिजीज रिलेटेड इश्यूज और फिर यू आर सेइंग दैट वी आर फेसिंग फ्रॉम मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिस्टर्बेंस। जस्ट गो थ्रू दोस बुक्स, यूटिलाइज योर टाइम, मेंटेन अ प्रॉपर हेल्थ, बैलेंस योर फूड। दीज आर द ओनली थिंग्स विच यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम getting affected. And what you can do is maintain social distance. Instead of that, what you are doing, आपको इसी टाइम पे बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है। We all are educated, so why we are behaving like educated morons? Why we are getting lazy? आपका टाइम टेबल आप ठीक से बनाइए, follow that time table. आपको पता होना चाहिए कि इतने से इतना मुझे क्या करना है, आफ्टर दैट व्हाट आई हैव टू डू। इंस्टेड यू आर ब्लेमिंग एंड ब्लेमिंग एंड ब्लेमिंग। कितना दिन तक आप ब्लेम करेंगे? ये डिजीज जो फैल रहा है ये भी आपके कारण फैल रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट, व्हेन द डॉक्टर्स हैव आस्क्ड यू टू प्लीज कीप द सोशल डिस्टेंसिंग, तभी आपको सब्जी खरीदना एंड ऑल दोस छोटा छोटा काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा ना। Who is the main culprit behind the spreading of this coronavirus? The human and the human nature. You can't blame one person, you can't blame one community. Everybody must be get blamed through this. You have to target the every single person. We all are connected with one another. अगर वो एक डॉक्टर बचाता है तो उससे एक आदमी अगर बच रहा है तो सिमिलरली एक आदमी के बाहर जाने से द 10 विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड। लोगों के बीच में आज एक ट्रेंड हो गया है हाथ में सादा कागज लेकर के खड़े हो जाना और स्टे होम स्टे सेफ का प्रमोशन करना। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप घर से निकल ही क्यों रहे हैं? वो लोग जो सुबह अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं कि कीप stay away from the locality peoples, keep social distancing, stay home, stay safe, वही लोग थोड़ी देर बाद बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। क्यों? आप जो भी काम है जल्दी से जल्दी करके घर लौटिए ना, एक ही बार घर से निकलिए अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ना करके आप हर छोटे काम के लिए घर से निकल रहे हैं। आज की डेट पर घर से निकलना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे आपको नहीं पता है कि क्या उन लोगों में बीमारी है, क्योंकि हमारे देश में ये टेस्ट ठीक तरह से नहीं हो रहा। आपकी मीडिया आपको ये शो कर रही है कि आज की डेट पर 54,000 पीपल आर गेट इन्फेक्टेड, दे आर नॉट गेट इन्फेक्टेड। Instead, you can say that the test has proven them as infected. ये test करके बताया गया है कि वो infected है। आपने test करके प्रूव किया है कि वो infected है। आपको अभी तक ये नहीं पता है कि how much percentage of the total population in India got infected. मीडिया आपको गलत न्यूज देते जा रही है। They are targeting only the one community because of the spreading of this bimari in India.
पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को टारगेट करना आज इस टाइम पे इस क्रिटिकल सीजन में आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जितने भी राशन से उनको ठीक तरह से उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है जो इनके हकदार हैं, इंस्टेड यू आर स्टोलिंग समथिंग। अगर सबको 25 किलो चावल का इश्यू हुआ है, सो नाउ यू आर सेइंग दैट आप अकेले तो 3 किलो तक भी नहीं खा सकेंगे, देन व्हाट यू विल डू विद द रेस्ट 22 किलोस एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम। ये जो छोटी छोटी चोरियां हैं आप करके क्या करें। ये दो दिन पहले लिक्विड फैक्ट्रीज खुला, इतना भीड़ है वहां पर। नहीं, आप दारू पीने के लिए इतना पागल हो गए हैं। दोस गर्ल्स, लड़कियों का लाइन आप अगर देखें तो वो लाइन लड़कों के लाइन से भी बहुत ज्यादा है। मेंटल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सब के पीछे का कारण आपको नशा नहीं मिल रहा है। दो सिगरेट्स आर बीन ब्लॉक्ड आउट, वो सारे दारू के दुकान बंद हो गए थे, इस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपके मेंटल डिसऑर्डर के पीछे का कारण ये सब है। आप अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहे थे, पार्क में 2 मिनट बातें नहीं कर पा रहे, ये सब आपके मेंटल डिसऑर्डर का कारण है। इन योर फ्यूचर लाइफ ये सब आपको जरूरत पड़ जाएगा। Instead, I would like to suggest you that please utilize your time. जितना आप ही अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाए उतना ही आगे जा करके it will going to affect you only. वो सारे 10th के बच्चे जो घर में इस तरह से बैठे हुए that they have to appear only for their board exams, why don't you see your near futures? Just go through those 11 books, just go through those other books, get some knowledge here and when I come to the examination, ये systems को सिर्फ education की जरूरत ही नहीं है, they only need the examination. They are concerning more about the education, then it will going to affect us. Instead, they are concerning more about the examination. Education पर किसी को बात ही नहीं करना है, knowledge पर किसी को बात ही नहीं करना है. Everybody is talking about the particularly one thing that is examination. 2021 में हम अपना एकेडमिक सेशन इतने से स्टार्ट करेंगे, इन द करेंट ईयर वी विल स्टार्ट आवर एकेडमिक सेशन फ्रॉम दिस ईयर, व्हाई डोंट यू जस्ट सी दैट द कोरोना पेशेंट्स एंड इट्स स्प्रेडिंगनेस इज नॉट कमिंग टू एन एंड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, यूटिलाइज कीजिए अपने टाइम को, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है उनको स्टार्ट कीजिए। ये बेकार का ड्रामा मत कीजिए कि आपको ठीक टाइम नहीं दिया गया है, आपने ठीक टाइम का खुद यूज नहीं किया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिनको है वो ये जान लीजिए कि उन्होंने किस तरह से पैसे बचाना है ये कभी नहीं जाना, वो हर वीकेंड जाकर के अपना पैसे वेस्ट करके आते थे। वो पॉलिटिशियंस जो आज इनका राशन चोरी कर रहे हैं वो भी ये जान के रखिए कि ये 2% राशन चोरी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और वो लोग जो बाहर जा रहे हैं ये सोच करके कि हमें बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया है, उस जानिए कि हम 54,000 इन्फेक्टेड हो गया है, जो कि सिर्फ प्रूव हुआ है। आपको नहीं पता कि और कितने लोग हैं ऐसे आपके ही बीच में जो इन्फेक्टेड है। तो कृपया अपने घर में रहिए, स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू।